छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, चक्रवर्ती सम्राट सिंघनदेव, जयत्रपाल और महाराजा कृष्णदेव। इन महान योद्धाओं का नाम सुनते ही सबसे पहले जो याद आता है वह है दक्षिण भारत और इसके बाद मराठा। इन सभी योद्धाओं का मराठों के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन यह मराठों की उत्पत्ति कैसे होती है, मराठा समाज कैसे अस्तित्व में आया और कहां से आए सभी मराठी लोग, आइए जानते हैं मराठा शब्द और मराठा समाज के इतिहास के बारे में। पहले के महान सम्राटों को महारथी के नाम से पुकारा जाता था और अगर हम देखें तो महारथी और मराठा यह आपस में ही मिलते जुलते शब्द हैं, जिसके पीछे कारण यही है कि महारथी शब्द से ही मराठा शब्द की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले मराठा शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत के महान यादव सम्राट किया करते थे, जहां उन्हें मरहट्टा कहा जाता था। यही मरहट्टा ही आगे चलकर मराठा बनता है। मराठा का वास्तविक अर्थ महारथी होता था, जो कि भाषाओं के उच्चारण के साथ और भिन्न भिन्न बोलियों के उच्चारण से यह महारथी से मराठा रूप धारण कर लेता है। बाद में यादव सम्राटों के पतन के बाद वहां पर भारत के अन्य स्थानों से भी लोग बसने लगते हैं और धीरे धीरे यह मराठा शब्द एक उपाधि ना हो करके एक समाज का गठन ले लेता है, जिसमें मुख्य शिलाहार, पाल, सूर्यवंशी कुनबी समाज, सारस्वत ब्राह्मण और ग्वालवंशी यादव समाज के लोग आते हैं। इसमें दक्षिण भारत की होयसल साम्राज्य के लोग भी बाद में आकर जुड़ गए थे और वह भी मराठा समाज में आने लगे थे, जिन्हें भोसले कहा जाता था। भोसले शब्द की उत्पत्ति होयसल शब्द से ही हुई है। छत्रपति शिवाजी का जन्म एक ऐसे ही भोसले यादव परिवार में हुआ था, जो उत्तरी कर्नाटक से आकर के महाराष्ट्र में बस गए थे, जिसके बारे में कन्नड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार सराजू काटकर अपनी पुस्तक शिवाजी मूल कन्नड़ नीला में कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी के पूर्वज मूल रूप से उत्तरी कर्नाटक के ग्वाले थे और इनकी इस बात का समर्थन मराठी के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामचंद्र चिंतामण भी करते हैं। तो यह था मराठी समाज की उत्पत्ति का इतिहास। धीरे धीरे समय के बदलाव और बोलियों के उच्चारण से मराठा एक उपाधि ना होकर के एक समाज बन जाता है। मात्र मराठा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो पहले उपाधि हुआ करते थे और धीरे धीरे वह एक जाति बन गए, जिनमें से रेड्डी समाज, कुर्मी समाज, पासी और चमार जैसे समाज मुख्य हैं। इन सभी विषयों में हम भविष्य में अवश्य चर्चा करेंगे।